नमस्कार दोस्तों, धनतेरस का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। लोग उस दिन धनतेरस के दिन स्वर्ण की या फिर चांदी के कोई ना कोई वस्तु जरूर खरीद कर लेकर आते हैं। धनतेरस के दिन दीपक जलाना बड़ा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन दीपक जलाया जाना यानी कि यम दीपक होता है। यदि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु से रक्षा करनी हो तो आप धनतेरस के दिन यम नामक दीपक को जरूर जलाएं और उसमें सरसों के तेल और कुछ काली कौड़ी जरूर डालें। ऐसा करने से धनतेरस के दिन पे शुभ होगा और अकाल मृत्यु से भी बचा जा सकता है। इसलिए धनतेरस का त्यौहार बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। लेकिन धनतेरस पे क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, आज इस वीडियो के दौरान जाने के राशि के अनुसार कौन सी वस्तु खरीदने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। नंबर एक, मेष राशि वाले व्यक्ति अपने सामान, अगर धनतेरस के दिन कोई चीज लेने जा रहे हैं तो स्वर्ण या चांदी की वस्तुएं खरीदने से पहले आप तांबे की वस्तु का खरीदना पहले शुरू करें। यदि आप तांबे की कोई भी छोटी मोटी चीज भी खरीदते हैं अपने घर लेकर आते हैं तो वह आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा और नई सफलता भी लेकर आएगा और आपके जीवन में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। तो आप यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसे तो इस धनतेरस पर आप तांबे की वस्तु घर पर कुछ जरूर खरीदें। नंबर दो, वृषभ राशि के लोग अपनी राशि के अनुसार अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा रहे तो उसके लिए आप स्वर्ण की वस्तु खरीदने से पहले चांदी की कोई वस्तु खरीदें। चांदी का कोई पात्र खरीद सकते हैं या फिर छोटी सी चीज भी खरीद सकते हैं। संभव जैसा है उसके अनुसार आप पहले चांदी की कोई वस्तु खरीदें या फिर आप चावल भी खरीद सकते हैं। आप इन्हें खरीदें, अपने घर लेकर आएं। नंबर तीन, मिथुन राशि के व्यक्ति यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा बरसे और इस धनतेरस पर आपके घर में कभी पैसों की कमी ना हो और इस दिवाली आपकी हंसी खुशी से गुजरे तो उसके लिए आप सबसे पहले धनतेरस के दिन अगर कुछ खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो धनतेरस के दिन आप कांसे के गणेश जी लेकर आ सकते हैं या फिर हंस के जोड़े लेकर आ सकते हैं। आप अपने घर लेकर आइए और उन्हें अपने घर पर ऐसी जगह पर व्यवस्थित कीजिए जहां से आपको दर्शन भी सीधे हों और उसकी वजह से आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसे। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने घर में पौधे लगाना चाहते हैं तो आप घर में पौधे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे पौधे लगाएं जिनसे फल प्राप्त ना हो। यदि फल प्राप्त होता है तो उसे आप नहीं खाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो भी अवसर मिलेंगे या फिर जिसकी भी प्राप्ति होनी होगी उसमें ज़्यादातर लॉस होगा। तो आप कोशिश करें कि यदि आप पौधे लगा रहे हैं और फल वाले हैं तो उनके फल बिल्कुल ना खाएं। और इस धनतेरस पर आप कांसे के ही गणेश या फिर कांसे की कोई भी वस्तु घर लेकर आ सकते हैं। नंबर चार, कर्क राशि के व्यक्तियों को इस धनतेरस पर अपने घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी काम ये करना होगा कि आप धनतेरस के दिन पर कोई भी वस्तु या फिर स्फटिक के या फिर चांदी के अपने घर मंत्र लेकर आइए, अपने घर यंत्र लेकर आइए और यंत्र को उसकी पूजा कीजिए, शुद्धिकरण कीजिए और अपने घर पे व्यवस्थित कीजिए। ऐसा करने से आपके घर पे माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और इस धनतेरस आपके घर पे खुशियाँ आएंगी। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बरसी रहे तो आप उस श्री यंत्र की रोज पूजा करें। प्रतिदिन पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर पाँच, सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने घर पे माता की कृपा बरसाने के लिए या फिर अपनी माता की कृपा पर प्रफुल्लित होने के लिए अपने घर पर कोशिश करें कि आप कांसे के या फिर तांबे के कोई भी चीज़ लेकर आ सकते हैं, गणेश जी बनवा सकते हैं या फिर कोई यंत्र लेकर आ सकते हैं या कोई बर्तन लेकर आ सकते हैं। यदि आप इस धनतेरस पर अपने घर पर तांबे के कोई बर्तन या फिर कोई चीज़ लेकर आते हो और उसे अपने घर पर हमेशा रखते हैं, संभाल कर रखते हैं तो ऐसा करने से भी माता की कृपा बरसी रहेगी। नंबर छः, कन्या राशि के व्यक्ति अगर अपने घर पर माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं और इस धनतेरस पर अपने घर में हमेशा खुशियां चाहते हैं या माता की कृपा चाहते हैं और अपने घर पर माता को हमेशा के लिए स्थान देना चाहते हैं और हमेशा आप पर बरसात होती रहे ये भी चाहते हैं तो उसके लिए कन्या राशि वाले इस धनतेरस पर कांसे की या फिर हाथी के दांत से कोई भी बनी हुई वस्तु अपने घर लेकर आएं और उसे अपने घर पर रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होंगी। नंबर सात, तुला राशि। यदि तुला राशि वाले व्यक्ति इस धनतेरस पर अपने घर पर माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो इस धनतेरस पर आप चांदी के कोई आभूषण, यंत्र या फिर सिक्के खरीदना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो उसके लिए इन चीज़ों को जरूर खरीदें। नंबर आठ, वृश्चिक राशि जिन भी व्यक्तियों की है वह व्यक्ति अपने घर पर माता लक्ष्मी को अपने घर लाने के लिए छोटे से उपाय करने की जरूरत है। आप पंच
यंत्र या फिर ऐसी कोई चीज लेकर आए जिसमें पंच चीजों का, पंच धातुओं मिलकर कोई चीज बनी हो। ऐसी चीजें अपने घर लेकर आए तो माता लक्ष्मी की आप पर कृपा रहेगी। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पधारे और आपके घर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं, तो उसके लिए छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। पीपल के पेड़ के पास आप पंचमुखी दीपक या फिर नवदीप जला कर रख कर आएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होंगी और खुश होने के साथ साथ आप पर हमेशा पैसों की बरसात होती रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको जो अवसर चाह रहे हैं वह अवसर आपको पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस धनतेरस आप उस चीज की कामना कीजिए। ऐसा करने से आपको इस धनतेरस कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। नंबर 9, धनुराशि। धनुराशि जिस भी व्यक्तियों की है या फिर महिलाओं की है, तो वह अपनी चीजों के लिए खास ध्यान रखें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा रहे, तो उसके लिए आप केसर और हल्दी जरूर खरीदें। केसर और हल्दी खरीद कर या फिर आप आभूषण खरीदना चाहती हैं, आभूषण खरीदने से पहले माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा खरीद सकते हैं। या फिर अगर नहीं कोशिश हो पा रही है, आपके लिए जरूरी है कि आपको आभूषण बनवाने हैं, तो आभूषण बनवा सकते हैं। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के तिलक करना ना भूलें। केसर से तिलक करना बहुत ही शुभ माना जाएगा और इस धनतेरस पर आपके घर में खुशियाँ आए, उसके लिए इस धनतेरस पर आप अपने घर पर स्वर्ण या फिर चांदी की कोई भी वस्तु या फिर अपने घर ज्वेलरी बनवा सकते हैं। ऐसा करने से इस धनतेरस आपके घर खुशियाँ आएंगी। 10, मकर राशि। यदि आपकी राशि मकर राशि है और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आपके घर बरसात हो और माता लक्ष्मी आपके घर पधारे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर को सजाने के लिए जो भी चीजें खरीद रहे हैं उनका खास ख्याल रखें। अपने घर सजावट का सामान खरीद के लेकर आए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन पर निवेश करें। ऐसा करने से आप अपने घर को और भी ज्यादा डेकोरेट करेंगे और ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होंगे। नंबर 11, कुंभ राशि। यदि आपकी राशि कुंभ राशि है और कुंभ राशि होने के बाद आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियाँ आए और इस दिवाली आपके घर माता लक्ष्मी जरूर आए, तो उसके लिए आप इस धनतेरस पर कोई भी लोहे की वस्तु खरीदें और उसके साथ नीलम खरीदना ना भूलें। आप उसके साथ साथ बिजली के उपकरण या फिर आप स्वर्ण की या फिर चांदी की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं या अपने लिए कोई भी चीज बनवा सकते हैं। ऐसा करने से धनतेरस पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नंबर 12, मीन राशि। मीन राशि जिस भी व्यक्ति की होती है वह व्यक्ति को ज्यादा जतन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर रहती है। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपको धनतेरस के दिन पर या फिर इस दिवाली पर आपको और भी ज्यादा खुशियां मिले, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इस धनतेरस पर कोई भी ऐसी सौंदर्य वाली चीज खरीद सकते हैं जो आपको घर को सजाने के लिए और भी ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए आप अपने घर में वह चीजें लेकर आए जो घर को और भी ज्यादा आकर्षित बनाए और हर कोई देख कर कह दे कि आपने घर को बहुत अच्छा सजाया है। यदि आप चाहते हैं कि इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी की आप पर कृपा रहे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस धनतेरस पर घर को सजाने के साथ साथ उन पर निवेश जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होंगी। धनतेरस पर आपको और भी ज्यादा धन की कमी नहीं होगी और यदि आपको धन की प्रॉब्लम है, तो ये दिवाली आने से पहले ही आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये है राशियों के अनुसार आपको धनतेरस पर क्या खरीदना है। यदि आप राशियों के अनुसार धनतेरस पर ये चीजें खरीदते हैं, तो आपको अवसर भी मिलेंगे और आपको ज्यादा लाभ भी होगा और माता लक्ष्मी की कृपा भी रहेगी। तो इस दिवाली मनाइए धूमधाम से और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।